नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। चुनावी नगरी में हम आपको कई विधानसभा सीटों के समीकरण और प्रत्याशियों की राजनीतिक कुंडली बताते आए हैं। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक कुंडली। आज बात करेंगे लाड़पुरा विधानसभा सीट के बारे में। लाड़पुरा विधानसभा सीट पर इस बार सबसे रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से महारानी कल्पना देवी चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम करते चले आ रहे नईमुद्दीन गुड्डू इस बार मैदान में। लेकिन मैदान में भाजपा के बागी व पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के ताल ठोकने से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कल्पना देवी राज परिवार से आती है और भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरागत सीट रही है। परिसीमन के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 बार चुनाव जीत चुकी है। वहीं इस बार विधायक कल्पना देवी से लोगों की नाराजगी सामने आई है और इसके साथ ही गणित बिगड़ने में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि भवानी सिंह राजावत सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कल्पना देवी को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे यह मुकाबला रोचक हो गया है। पहले यह सीट आसानी से बीजेपी की झोली में चली जाती थी, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का होगा और बीजेपी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। नईमुद्दीन गुड्डू पिछले 15 साल से यहाँ सक्रिय हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके परिवार को इस सीट पर 3 बार हार मिल चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला भवानी सिंह राजावत के खड़े होने से रोचक हो गया है। सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। यहाँ चर्चा है कि इस बार एक महारानी और एक कार्यकर्ता के रूप में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। 5 साल तक महारानी लोगों से नहीं मिली, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं, इस वजह से भी कार्यकर्ताओं में यहाँ मायूसी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार के कारण यहाँ विकास हुआ है, वहीं कांग्रेस सरकार की योजनाओं का यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो लाड़पुरा सीट पर मुकाबला बीजेपी की कल्पना देवी और कांग्रेस के गुलनाज गुड्डू के बीच था। कल्पना देवी को 104,912 वोट मिले तो गुलनाज के खाते में 83,256 वोट आए। कल्पना देवी ने 21,665 मतों के भारी अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। लाड़पुरा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो 2003 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2003 से लेकर 2013 तक 3 बार चुनाव में भवानी सिंह राजावत ने जीत हासिल कर चुनावी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लाड़पुरा सीट पर 2008 से ही लगातार मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है और हर बार यहां से उनको हार मिलती रही। लाड़पुरा विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहां पर 2,87,000 के आसपास मतदाता हैं। लाड़पुरा विधानसभा सीट ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सबसे अधिक SC/ST वर्ग के वोटर्स हैं। इनके अलावा माली और गुजर वोटर्स भी यहाँ प्रभाव रखते हैं और यहाँ मुस्लिम वोटर्स भी काफी संख्या में हैं। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी नईमुद्दीन गुड्डू की, तो वे 2 बार प्रत्याशी रहे हैं और वे लाड़पुरा से प्रधान रहे हैं। पिछली बार उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया गया था और इनके बेटे मौजुद्दीन बनियानी गांव से सरपंच हैं और कैथून नगर पालिका में इनके परिवार का दबदबा है। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवी की, तो ये कोटा के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने 2018 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2018 से पहले इनके पति इजयराज सिंह कांग्रेस से कोटा बूंदी सीट से सांसद रहे हैं। बात करें निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भवानी सिंह राजावत की, तो ये लाड़पुरा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2018 में उनका टिकट काट कर राज परिवार से कल्पना देवी को प्रत्याशी बनाया गया था। उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और वह विधायक थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समझाने पर वह मान गए थे और चुनाव लड़ने से अपने फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी आलाकमान की बात न मानकर चुनावी मैदान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बार लाड़पुरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की लाड़पुरा विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।